आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीमोथेरेपी के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद कीमोथेरेपी मतलब कि जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे नर्सिंग इम्प्लीकेशन की। तो आज का हमारा टॉपिक कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स का यूज लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एनी पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विच में बी बैक्टीरिया, ठीक है, विच में बी वायरस, विच में बी फंगाई पैरासाइट, ठीक है, और वो क्या हो सकते हैं, ट्यूमर सेल्स भी हो सकते हैं। अगर उसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर कोई भी डिजीज कॉज हो रही है तो उसका हम ट्रीटमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, कीमोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। और कीमोथेरेपी मतलब अपन किसका यूज ले रहे हैं, केमिकल्स का यूज ले रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, और या फिर कंप्लीट सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पहले मैंने आपको बात बोली कि साहब ये सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, और सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं ये या तो उस माइक्रोब को क्या करेंगे, कंप्लीटली किल कर देंगे, अच्छा, ठीक है। कंप्लीटली अगर किल कर देता है तो उसको हम बोलते हैं साइडल। क्या बोलते हैं? साइडल, है ना, यानी कि वो अपनी साइडल एक्टिविटी शो करेगा। अगर वो कम्प्लीटली किल नहीं करता है और ओनली ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्या करता है बच्चे, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो स्टेटिक। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो स्टेटिक। इसमें जो वर्ड आ रहा है स्टेटिक, स्टेटिक का मतलब ओनली रोकना, मतलब कि वो क्या कर रहा है, ओनली ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। और ग्रोथ को इनहिबिट कैसे करेगा, कि साहब वो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस नहीं होने देगा, है ना। बैक्टीरिया का पता होगा आपको कि साहब जो एक बैक्टीरिया है वो दो बन जाते हैं, दो चार बन जाते हैं, चार आठ बन जाते हैं, ऐसे में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। और जो इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है बाय द बाइनरी फ्यूजन, है ना, बैक्टीरिया की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। तो अगर कोई भी एजेंट उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी कि रोक देता है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरी स्टेटिक, है ना। और अगर पूरा किल कर देता है बैक्टीरिया को, पूरा का पूरा किल कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरी साइडल। यहां तक बात क्लियर है? अब जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो सेलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं। सेलेक्टिवली टॉक्सिक बोलूं तो ओनली जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, ओनली जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उसको ये किल करेगा, ठीक है, और जो होस्ट में जो नॉर्मल माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसको ये किल नहीं करेगा। यानी कि ये सेलेक्ट करके किसको किल करेगा, ओनली हार्मफुल माइक्रोब्स को। यहाँ तक बात क्लियर आई? अब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर की गई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो या तो कब डिस्कवर की गई थी और या फिर किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो कब डिस्कवर की गई थी पूछे तो बोलना कि साहब ये 1928 में डिस्कवर की गई थी। अगर कोई पूछे कि किसने डिस्कवर की थी तो बोलना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एक्शन के ऊपर, ठीक है, कि क्या एक्शन उसका आ रहा है, कि साहब या तो वो ग्रोथ को ओनली इनहिबिट कर रहा है और या फिर पूरा का पूरा बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इसका एक्शन। अगर वो ग्रोथ को ओनली इनहिबिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियो स्टेटिक। क्या बोलेंगे बच्चे? बैक्टीरियो स्टेटिक। यहाँ तक बात समझ में आया? ये ओनली इनहिबिट करेगा, ठीक है, किल नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही बोला है, इट इनहिबिट द ग्रोथ बट डू नॉट किल दैम, है ना, ठीक है। अब कुछ जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं उसको अगर आप लो कंसंट्रेशन में दोगे, ठीक है, उसको आप लो कंसंट्रेशन में दोगे तो वो होती है बैक्टीरियो स्टेटिक एक्शन शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि साहब उसका जो प्रॉपर डोज था वो था 500 mg, ठीक है, 500 mg उसका प्रॉपर डोज था, है ना, लेकिन आपने उसको दी कितनी, ओनली 250 mg, है ना। जैसा कि आपने टेबलेट जो पूरी थी वो 500 mg की थी, उसको आपने आधी दी यानी कि 250 mg पेशेंट को दिए, ठीक है, तो वो अपना एक्शन पूरा अच्छी तरह से कैरी आउट नहीं कर पाएगा और उस कंडीशन में वो ओनली बैक्टीरियो स्टेटिक यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम शो करेगा, ठीक है। तो जितनी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती है वो लो कंसंट्रेशन में ओनली बैक्टीरियो स्टेटिक एक्शन शो करती है। यहाँ तक बात समझ में आई?
और कुछ कुछ जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है वो चाहे आप उसको कम डोज में दो या ज़्यादा डोज में दो, वो बैक्टीरियोस्टेटिक ही शो करेगी। मतलब कि उनका काम ही ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक तक सीमित है, ठीक है, वो बैक्टीरियोसाइडल नहीं कर सकती चाहे आप उसको थोड़े ज़्यादा डोज में भी दे दो। अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊँ तो वो है टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड। क्या एग्जांपल है बच्चे? टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड, ये ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है, ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्लास जो कि है प्राइमरी बैक्टेरिसाइडल, ठीक है। जैसे ही बैक्टेरिसाइडल वर्ड आपने देखा होगा आपके माइंड में आ गया होगा कि साहब ये क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी, ठीक है। अब जो भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको ये क्या कर देगी, किल कर देगी, है ना। अब भाई जो भी रेट है ना, और बैक्टेरिसाइडल की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो डिपेंड करेगी कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है और कितने टाइम तक उसको दी गई है, ठीक है। तो अगर उसकी कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ तो उसमें बात आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड में आपको कंसंट्रेशन का मेनली ध्यान रखना है अगर आपको बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट देखना है तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फ्लूरोक्विनोल्स की, ठीक है, ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है फ्लूरोक्विनोल्स, है ना। इसमें क्या होता है कि साहब आपको जितने टाइम तक स्पेसिफिकली बोला गया है उतने टाइम तक देना पड़ेगा, तब ये बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट अपना शो करेगी। यहाँ तक बात समझ में आई है? अब बात करते हैं बेस्ड ऑन दी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड बोला है, स्पेक्ट्रम। तो अभी ये जो क्लासिफिकेशन मैंने लिया है वो लिया है स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम इतने तीन देखने को आपको मिल सकते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, वाइड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक आएगा इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम हुआ उसका जो बैक्टीरिया के ऊपर जो लगाम होगी वो क्या होगी, एक लिमिटेड एरिया तक होगी, ठीक है ना। मतलब कि ये अपना जो एक्टिविटी है ये एक लिमिटेड सबसेट ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ही अपना शो करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके अंदर अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एग्जांपल आता है पेनिसिलिन एंड आइसोनियाज़ाइड, ठीक है। आइसोनियाज़ाइड आपको एंटी टीबी ड्रग के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी अपन ओनली इंट्रो और क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि कौन कौन सी ड्रग्स होती है और कौन कौन सी क्लास के अंदर वो आती है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर एक एक ड्रग को चुन चुन के अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइंड में ऐसा भारीपन सा मत लेना तुम कि ये अलग अलग नए नए नाम आए जा रहे हैं, इनको कैसे क्या करें, कैसे याद करें, ना। ये अभी आपके सामने ओनली माइंड के अंदर एक इमेज में बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन एक एक ड्रग को लेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स आते हैं, जैसे कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस वाली ड्रग हुई, है ना, कैंसर वाली ड्रग हुई जिसके अंदर एंटीवायरल ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है, मलेरिया वाली ड्रग हुई, है ना। तो इनको अपन अच्छे से वापस रिक्लासीफाई करके और फिर पढ़ेंगे, तो माइंड में बर्डन मत लेना। समझ आ रही है बात? तो अभी अपन नैरो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेड सबसेट ऑफ बैक्टीरिया को ऊपर वर्क करेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आएगा इसके अंदर पेनिसिलिन और आइसोनियाज़ाइड। दूसरा आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जब नैरो स्पेक्ट्रम का मैंने बोला कि एक लिमिटेड रेंज के ऊपर वो वर्क करेगा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये वाइड रेंज के ऊपर वर्क करेगा, है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स के फिर अंदर वापस फर्दर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है क्विनोल्स, ठीक है। तो आपने अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो डिजीज चल रही है वर्ल्ड वाइड वो चल रही है कोरोना, और आपने ये सुना होगा कि साहब क्लोरोक्विनोल्स के थ्रू इसका इलाज किया जा रहा है, जो कि क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। तो जो क्लोरोक्विनोल है वो इसी का ही एक डेरिवेटिव है, और वो किसके अंदर आ रहा था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। और जो क्विनोल्स है ये किस में मेनली यूज की जाती है, एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो कौन सी चीज़ हमने बात करी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की। नेक्स्ट आया है इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम, यानी कि ये ना तो लिमिटेड वाला है और ना ही वाइड रेंज वाला है, ये उन दोनों के बीच की रेंज है, यानी कि इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम। इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी पेनिसिलिन,
ठीक है, इसका नाम मैंने जो अपनी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला था कौन सी है, नैरो स्पेक्ट्रम, इसके अंदर भी लिया था। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम भी काम करता है। दूसरा मैंने आपके सामने नाम लिया क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, अगर आपके कभी लगी हो तो आपको ड्रग प्रिस्क्राइब की गई होगी एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुनेट, जो कि 625 mg में दी जाती है। ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन के साथ में कौन सा कंटेंट दिया गया था वहाँ पे, क्लेवुलेनिक एसिड। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आती है सीफेलोस्पोरिन। तो पेनिसिलिन हुई, क्लेवुलेनिक एसिड हुई या फिर सीफेलोस्पोरिन हुई, ये तीनों की तीनों कौन सी क्लास की ड्रग है, इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम वाली एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं। अब चलते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि अगर बैक्टीरिया है तो अपन एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, अगर फंगस के ऊपर अपन इफेक्ट करना है तो अपन एंटी फंगल देंगे। ठीक है, जो पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, तो उसके अंदर अपन एंटी हेलमेंटिक देंगे, है ना। और अगर किसी वायरस को अगर ऊपर अगर हमको एक्ट करना है तो हम देंगे एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, तो अभी कौन सा ऑर्गेनिज्म के ऊपर कौन सा एजेंट वर्क करेगा उसके ऊपर मैंने क्लासिफिकेशन बना रखा है, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर एंटीबायोटिक देनी है यानी कि एंटीबैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो उसमें आएगी पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इरिथ्रोमाइसिन एंड फ्लूरोक्विनोन्स। ठीक है, एंटीवायरल की अगर हम बात करें, ठीक है, एंटीवायरल जो कि जितनी भी वायरस के थ्रू जो डिजीज हुई होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम काम करने के लिए वर्क मिलेंगे। जैसा कि HIV का आपने नाम सुना होगा तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो इसके अंदर लास्ट में क्या नाम आया, वायरस। तो इसके अंदर हम कौन सी थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, एंटी वायरल ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो उसके अंदर ड्रग्स आती है एसाइक्लोविर, ज़िडोवुडिन एंड नेविलेपिन। यहाँ तक बात समझ। दूसरी बात, अभी जो इन करंट जो डिजीज चल रही है, यानी कि आपके माइंड में आ चुका होगा कोरोना, यानी कि COVID-19, तो उसके अंदर भी पहला मैंने आपको बोला था कि अभी जो है ये लोग मतलब आपने बहुत से पोस्ट के अंदर भी देखा होगा क्लोरोक्विनोन्स का यूज़ लिया जा रहा है ना, उसके अलावा इन्होंने एंटीवायरल ड्रग्स का भी यूज़ लिया था, जो कि H1N1 ड्रग्स थी, जो कि स्वाइन फ्लू के अंदर यूज़ ली जाती थी। ठीक है, कुछ कुछ एक्स में जो यूज ली जाती थी उन क्लासेज ऑफ ड्रग्स का भी यूज़ लिया था। ठीक है, और वो कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी वायरल वाली ड्रग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं एसाइक्लोविर, ज़िडोवुडिन एंड नेविलेपिन। यहाँ तक बात समझ में आई है। नेक्स्ट आती है एंटी प्रोटोजोल, एंटी प्रोटोजोल। ठीक है, यानी कि हम मलेरिया के अंदर जो अपन यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको डायरिया वाली कंडीशन हो रखी है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ का अटैक था वो कहाँ पे हुआ था, अपनी GIT के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मलेरिया वाली कंडीशन की तो उसके अंदर हमने कौन से डेरिवेटिव्स का लिया, क्विनोज डेरिवेटिव्स का। ठीक है, यानी कि क्लोरोक्विन का, है ना। अगर मैं बात करूँ GIT इन्फेक्शन की तो वहाँ पर हमने यूज़ लिया मेट्रोनिडाजोल, जो कि हम मेनली किसके अंदर यूज़ ले सकते हैं, डायरिया वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर मेनली ये यूज़ ली जाती है। ठीक है, अपने हॉस्पिटल के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी मेट्रोजिल के नाम से। किस नाम से, मेट्रोजिल के नाम से, है ना। नेक्स्ट जो ड्रग आई है वो आई है पाइरीमिथामाइन, है ना। नेक्स्ट आती है एंटी हेलमिंथिक्स बोलूँ तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि मेनली चिल्ड्रंस के अंदर यूज ली जाती है ना। बोला जाता है कि साहब इसके पेट में कीड़े हो गए, है ना, इसके पेट में क्या हो रहा है, मतलब कि वॉर्म्स इन्फेक्शन हुआ है ना, जिसको लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि साहब इसके क्या हो रहा है, पेट में कीड़े हो गए, इसकी वजह से ज़्यादा रो रहा है। तो उस कंडीशन में अपन यूज़ लेते हैं जो ड्रग, वो आती है मेबेंडाजोल। ठीक है, इसकी जगह मोस्ट कॉमन जो ड्रग है वो आती है एल्बेंडाजोल, है ना, डाईइथाइल कार्बामेज़ाइन, जिसको DEC बोलते हैं शॉर्ट में, और एक आते हैं निक्लोसामाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है एंटी फंगल का। ठीक है, एंटी फंगल बोलूँ तो जो आपके दाद वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, दाद वगैरह हो जाते हैं उसकी वजह से आपके खुजली वगैरह रहती है ना, तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है फ्लूकोनाजोल। कौन सी ड्रग आती है, फ्लूकोनाजोल। अगर और ड्रग्स के एग्जाम्पल मैं दूँ आपको तो उसके अंदर आती है इट्राकोनाजोल, ठीक है, और कीटाकोनाजोल। ठीक है, कीटाकोनाजोल का आपने
बहुत सी बार नाम सुना होगा जिस पेशेंट के डेंड्रफ वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कीटाकोनाजोल का उसको शैम्पू दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपके चेहरे पे दाग वगैरह हो रखे हैं या फिर शरीर पे कहीं दाग हो रखे हैं तो उसको जो कीटाकोनाजोल है उसका कैप्सूल भी दिया जाता है, प्लस उस पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि साहब आप कीटाकोनाजोल की सोप और शैम्पू का यूज़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एंटी फंगल एजेंट्स हैं जो कि उसको ट्रीट करने के यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है। जब अपन एंटी फंगल पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि इनकी क्या क्या डोजेस होती है। जैसे फ्लूकोनाजोल जो है वो वीक में एक बार ली जाती है, जैसे कि आपने आज संडे को ले ली, ठीक है, एक ड्रग, तो अगले संडे को आप वापस एक ड्रग लेंगे, ठीक है। तो इनमें अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग अपन ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप ओनली क्लासिफिकेशन को देखते हुए चलिए, कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सी ड्रग आई है वो याद करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन कीमोथेरेपी, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, या फिर डिफाइन कीमोथेरेपी, मेक वन क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेन एनी ऑफ वन ड्रग, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, कीमोथेरेपी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में इसमें से आपको जो भी अच्छा क्लासिफिकेशन लगा हो, ठीक है, या फिर जितने ज़्यादा आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे उतना बेटर है, तो आप क्लासिफिकेशन वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी क्लास ऑफ ड्रग में कौन सी ड्रग्स आ रही है, ठीक है। वह एक्सप्लेन करने के बाद में आप कोई भी एक जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कीमोथेरेपी में से बनता है, और मेनली जो ज़्यादातर पूछी जाने वाली जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली एंटी मलेरियल हुई या फिर एंटी ट्यूबरक्लोसिस वाली ड्रग हुई, ठीक है, उसमें अलग अलग लाइंस ऑफ ड्रग्स आती है, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। जैसे एंटी कैंसरस ड्रग हुई, एंटी कैंसरस मेनली कम पूछी जाती है, लेकिन जो HIV वाली ड्रग है वो और TB वाली ड्रग जो है उसके अलावा जो मलेरिया वाली ड्रग है ये ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, याद करते हुए साथ के साथ चलिएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन बहुत सारी इनडेप्थ डिटेल के साथ में आएगा, ठीक है। इसमें केमिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है। तो मेनली जो फर्स्ट है वो आएगा सल्फोनामाइड रिलेटेड ड्रग्स। तो सल्फोनामाइड रिलेटेड ड्रग्स में कौन कौन सी आएगी, सल्फाडाइजिन, ठीक है। और अगर अदर्स की बात करें तो इसके अंदर आएगा पैरा अमाइनो सैलिसैलिक एसिड, जिसको हम PAS बोलते हैं, या फिर DDS जो कि डेप्सोन ड्रग को इंक्लूड करता है। यहाँ तक बात समझ में आया। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आएगा सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग, यानी कि इसके अंदर कौन सी ड्रग्स की हम बात करेंगे, सल्फोनामाइड या फिर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव वाली ड्रग्स की। तो इसके अंदर ड्रग्स आती है सल्फाडाइजिन, ठीक है। सल्फोनामाइड से आपको एक ड्रग तो ऐड हो ही जाएगी, सल्फाडाइजिन, ठीक है। उसके बाद में एक ड्रग आप ये याद रख लीजिएगा, अमाइनो सैलिसैलिक एसिड PAS एंड DDS, ठीक है। दूसरी आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है इसके अंदर आती है पेनिसिलिन, सिफियालोस्पोरिन और कार्बामेपिंस, ठीक है। तो बीटा लैक्टम्स में कौन कौन से आती है, बीटा लैक्टम्स में आपके आएगी पेनिसिलिन एंड सिफियालोस्पोरिन, यहाँ तक बात क्लियर है। तो सल्फोनामाइड में मैंने बात की थी कि आएगी साहब सल्फाडाइजिन, ठीक है, PAS एंड DDS, ओके। सेकंड जो बीटा लैक्टम मैंने बोला है उसमें मोस्ट फेमस ड्रग आएगी पेनिसिलिन, ठीक है, और सिफियालोस्पोरिन। ये जो मेनली ज़्यादा रिपीट होने वाले नाम है ये तो आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि पेनिसिलिन और सिफियालोस्पोरिन। तो ये कौन सी क्लास की ड्रग है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। कौन सा नाम लिया मैंने, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो भी ड्रग है वो या तो माइसिन वाली आएगी या फिर सिन वाली आएगी, जैसे कि जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। वापस बोलता हूँ, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जितनी भी ड्रग्स आएगी वो या तो माइसिन वाली आएगी और या फिर सिन वाली आएगी, ठीक है, या तो माइसिन वाली आएगी या फिर सिन वाली आएगी, यानी कि जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग है या फिर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग इनमें से कौन सी है, ठीक है,
तो आप ऐसे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। मेनली जो सबसे फेमस ड्रग्स जो आती हैं, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपको एंटी ट्यूबरक्लोसिस वाली ड्रग के अंदर नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो ज़्यादातर यूज़ में ली जाती है कि साहब जब इन्फेक्शन रहता है, पस कलेक्शन वाला जो इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेनली जो यूज़ ली जाती है वो है जेंटामाइसिन और अमीकासिन, ठीक है। और नियोमाइसिन यूज़ ली जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ ली जाएगी, लेकिन जैसे आपने नाम सुना होगा फर्स्ट ईयर के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा होगा बैड सोर, है ना, बैड सोर प्रेशर अल्सर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली जो बेडरिडन पेशेंट के अंदर जो वो अल्सर फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर जो अपन ड्राई ड्रेसिंग करते हैं तो नियोमाइसिन का एक पाउडर होता है, ठीक है, नियोमाइसिन का पाउडर आता है तो उसको भी उसके अंदर यूज़ लिया जाता है ड्रेसिंग के दौरान। यहाँ तक बात सुनवाइए। तो अमीनोग्लाइकोसाइड में अपने कौन कौन सी ड्रग आती है, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ तक याद हुआ। नेक्स्ट अपनी क्लास आती है टेट्रासाइक्लिन, कौन सी क्लास आती है टेट्रासाइक्लिन, तो इसके अंदर जो ड्रग आएगी बच्चे वो आएगी डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि इसमें मेनली जो अपनी ड्रग आती थी वो थी टेट्रासाइक्लिन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो आप अगर सफिक्स देखो यानी कि इसका अगर आप सरनेम देखो तो कौन सा है, साइक्लिन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर साइक्लिन वाली ड्रग आ जाएगी जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्रोलिड्स की, ठीक है। तो मैंने जो आपको ये वाली ड्रग जो पढ़ाई थी अमीनोग्लाइकोसाइड, इसके अंदर मैंने आपको बोला था या तो इसके अंदर माइसिन वाली आएगी या फिर सिन वाली आएगी, तो इन ड्रग्स को इन मैक्रोलिड्स वाली ड्रग्स के साथ में मिक्स मत करना क्योंकि इसके अंदर भी माइसिन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसके अंदर जो भी ड्रग आएगी उसके लास्ट में आएगा रोमाइसिन, क्या आएगा, रोमाइसिन या फिर थ्रोमाइसिन, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ गई, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, सफिक्स क्या यूज़ ले रहे हैं अपन, थ्रोमाइसिन, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो अपनी एंटीबायोटिक आती है वो आती है लिनकोसामाइड, लिनकोसामाइड एंटीबायोटिक के अंदर अपनी आती है क्लिंडामाइसिन, ठीक है। क्लिंडामाइसिन का आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा, जिस पेशेंट के अंदर पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर डॉक्टर जो एंटीबायोटिक क्रीम जो प्रिस्क्राइब करता है वो मेनली आप देख सकते हैं क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो क्लिंडामाइसिन कौन सी क्लास वाली ड्रग है, लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आती है फ्लूरोक्विनोल्स, फ्लूरोक्विनोल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आएगी नैलिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, गैतीफ्लोक्सासिन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आती है डायअमीनोपाइरिमिडिन्स, इसके अंदर आएगी टीएमपी यानी कि ट्राइमिथोप्राइन और पाइरिमिथामाइन, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन जिस जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ वो मैं आपको प्रॉपरली देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बच्चे इसको अच्छे से याद कर लेना, अभी के एग्ज़ाम में नहीं तो कभी फ्यूचर में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर आप कभी जब एंटीबायोटिक ड्रग्स किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब जब दे रहे होंगे, जब एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप जैसे ही उसका सॉल्ट पढ़ेंगे तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि साहब ये किसका डेरिवेटिव है, ये नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है, ये कौन सी ड्रग है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि उसके साइड इफेक्ट आपको साथ के साथ याद आते जाएंगे, ठीक है, उसके डोज आपको साथ के साथ याद आते जाएंगे। तो आपसे क्या होंगे, जो भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते वक्त जो एरर्स हो सकते हैं वो आपके कम से कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो अपनी ड्रग आती है वो आती है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, कौन सी ड्रग आती है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है क्लोरामफेनिकोल, कौन सी ड्रग है, क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट आती है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, इसके अंदर आती है वैनकोमाइसिन और टिकोप्लेनिन, कौन सी आती है, वैनकोमाइसिन और टिकोप्लेनिन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आती है ऑक्साजोलिडोनोन, ठीक है, इसके अंदर ड्रग आती है लिनेजोलिड, कौन सी आती है बच्चे, लिनेजोलिड, है ना।
नेक्स्ट बात करूँ तो आएगी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, जिसके अंदर आएगी पॉलीमेक्सिन बी और कोलिस्टीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टिन एंटीबायोटिक, पॉलीपेप्टाइड वाली जो एंटीबायोटिक है उसकी जो ड्रग है उसका नाम भी पॉली से स्टार्ट होगा, यानी कि पॉलीमेक्सिन बी। ठीक है, नेक्स्ट आती है नाइट्रोफ्यूरन डेरिवेटिव। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरन डेरिवेटिव में आती है नाइट्रोफ्यूरंटोइन, जो कि मैंने आपको जब एंटी डायबिटिक और डायबिटिक वाली हम बात कर रहे थे उसके अंदर जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स होती है उसके अंदर मैंने आपको इसका नाम लिया था। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरंटोइन। नेक्स्ट ड्रग आती है फ्यूरोजोलिडोन। ठीक है, नाइट्रो इमिडाजोल, इसके अंदर आती है मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल के बारे में मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल के अंदर, ये आपको मेट्रोजिल के नाम से देखने को मिलेगी। ठीक है, मेनली जो GIT वाला इन्फेक्शन जो हो रखा है, जैसे डायरिया वाली जो कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, तो उसके अंदर ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है। ठीक है, और ये कौन सा डेरिवेटिव है, नाइट्रो इमिडाजोल का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट आती है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव, तो इसके अंदर आएगी आइसोनियाजाइड एंड पाइराजिनामाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड इज एंटी ट्यूबरक्लोसिस वाली ड्रग। नेक्स्ट आती है पोलिन एंटीबायोटिक, इसके अंदर आएगी निस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड हेमाइसिन। नेक्स्ट आती है एजोल डेरिवेटिव, जिसके अंदर एंटीफंगल ड्रग्स आ जाएगी सारी की सारी, क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। ठीक है, एजोल डेरिवेटिव में सारी जो भी जोल वाली ड्रग्स है, ठीक है, इसके अंदर ओमिपेराजोल, रेबिपेराजोल ये मत डाल देना आप, है ना। एजोल डेरिवेटिव के अंदर ये एंटी फंगल वाली ड्रग है, ठीक है, गैस्ट्रिक वाली ड्रग नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी आएगी, क्लोट्रिमाजोल, क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। ठीक है, और अगर इतनी सारी जो हमने क्लास ड्राइव करी थी उसके अलावा जो भी छोटी मोटी ड्रग्स अलग बच चुकी है तो उसका मैंने अदर्स के अंदर क्लासिफिकेशन में लिखा है, यानी कि रिफाम्पिसिन, जो कि एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस क्लास वाली ड्रग है जो कि टीबी वाले पेशेंट के अंदर यूज ली जाती है। ठीक है, और जब भी ये ड्रग देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट के जितने भी सिक्रेटरी फ्लूड्स, ठीक है, जैसे कि यूरिन हुआ, ठीक है ना, बहुत सी बार जो टीयर्स वगैरह होते हैं तो उनका जो डिस्कलरेशन होता है वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, मेनली यूरिन के अंदर जो यूरिन होता है पेशेंट का वो थोड़ा रेडिश कलर का देखने को मिलेगा जब भी पेशेंट कौन सी थेरेपी यूज ले रहा होगा, रिफाम्पिसिन थेरेपी से गुजर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है साइक्लोसिलिन, है ना, ग्रीसोफिलिन, इथाम्ब्यूटोल एंड थायासिटोन। ठीक है, तो हमारा पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 से 4 क्लासिफिकेशन बताए हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला था वो बहुत डीप एंड बहुत इनडेप्थ मैंने आपको बताया, उसके पहले अगर आपको याद करना है तो आप जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम वाला था वो याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि ड्रग्स के जो एग्जाम्पल है बहुत कम दे रखे हैं ना, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था स्टेटिक और साइडल वाला, जो एक किल कर देता है और एक ग्रोथ को उन्हें इनहिबिट करता है, तो उसका वो भी क्लासिफिकेशन अच्छा था ना। और उसके अलावा जो सबसे इनडेप्थ था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया, इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में लिया था क्योंकि इसके अंदर सारी ड्रग्स की अच्छे से इनडेप्थ डिटेल मैंने एक्सप्लेन की है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स सुनना, कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि साहब आइडियल माइक्रोबियल थेरेपी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आती है कि साहब वो क्या होना चाहिए, सेलेक्टिवली टॉक्सिसिटी को करना चाहिए। सेलेक्टिवली टॉक्सिसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेलेक्टिवली टॉक्सिसिटी का मतलब यह है कि साहब वो ओनली होस्ट जो होस्ट बॉडी के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ओनली उनको ही किल करे, होस्ट सेल को किल ना करे। ठीक है, दूसरी बात, जो होस्ट सेल है उनके लिए वो लेस टॉक्सिक हो, है ना, या तो टॉक्सिक हो ही नहीं और या फिर क्या हो, लेस टॉक्सिक हो। दूसरी बात, आपने बहुत सी बार ये सुना होगा कि जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी अपन देते रहते हैं पेशेंट को, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक क्या होती है, पेशेंट के अंदर रेसिस्टिविटी शो करती है। ठीक है,
ठीक है, मतलब कि बाद के अंदर जब वो लंबे समय तक चलती रहती है तो बाद के अंदर क्या होता है कि उसकी रेसिस्टिविटी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर और पेशेंट के ऊपर फिर बाद में असर करना बंद कर देती है, या फिर जो लिमिटेड डोज चल रहा था उस डोज के ऊपर वो असर करना बंद कर देती है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, मतलब कि रेसिस्टिविटी शो कर रहा है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, तो वो क्या है, एक आइडियल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। दूसरी बात, वो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होती है वो शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रैशेज हो गए, है ना, रैशेज हो गए, या फिर वो क्या कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, वैसो डायलेशन कर दिया, है ना, तो वो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वाली जो चीज़ें हैं वो शो नहीं होनी चाहिए। दूसरी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टिश्यूज़ के अंदर वो रैपिड होना चाहिए। ठीक है, वो रैपिड होगा तो क्या होगा, उससे उसका जो एक्शन है वो बहुत फास्ट आएगा और बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो भी ड्रग है वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर ड्रग्स इंट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि दूसरी ड्रग्स के साथ वो इंट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि साहब मैं एंटीबायोटिक कोई थेरेपी ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करने वाली ड्रग दे रहा हूँ, ठीक है, अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन वाली ड्रग और एंटी माइक्रोबियल वाली जो ड्रग थी वो दोनों की दोनों क्या कर जाए, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए, वो दोनों दोनों एक दूसरे से क्या करें, इंट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, और वो क्या करते हैं, कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर दे या तो, और या फिर किसी एक ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा दे, तो वहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, जो अपने रिजल्ट, जो अपने को चाहिए थे रिजल्ट, वो प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का भी कोई यूज़ नहीं है, तो इसी वजह से उसको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं रखा गया। दूसरी बात, जो भी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है, जो ड्रग्स हैं, वो एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, इन बजट होनी चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है जब हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का यूज़ लेते हैं, ठीक है, तो साहब पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि टॉक्सिक इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो लोकल इरिटेंसी हो या फिर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो। ठीक है, लोकल इरिटेंसी की अगर हम बात करें तो रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, है ना, या फिर जो इचिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम होती है, ये सारी लोकल के अंदर आएगी, और सिस्टमिक या फिर जो भी ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पहुंच गई तो ये आएगी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के अंदर। ठीक है, तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के अंदर क्या आएगा, जैसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, है ना, या तो रीनल वाली टॉक्सिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर लीवर वाली प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये किसके अंदर आएगी, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वही रेडनेस, स्वेलिंग, वैसोडाइलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। फिर आता है ड्रग रेजिस्टेंसी, इसके अंदर देखने को मिल सकती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है सुपर इन्फेक्शन, तो सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि साहब अपन को कोई इन्फेक्शन हुआ है तभी अपन ने क्या ली, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का यूज़ लिया। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट लेते लेते कोई और इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो गया हो, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो गया हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचुरल डेफिशिएंसीज, तो नेचुरल डेफिशिएंसीज क्या होगी कि साहब जब आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ले रहे हो, ठीक है, और वो मतलब कि प्रोलॉन्ग टाइम तक चल रही है या फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ले रहे हो, तो वो क्या करती है कि आपके इंटेस्टाइनल फ्लोराज जो है, मतलब कि जो इंटेस्टाइन में नॉर्मली प्रेजेंट हैं जो भी माइक्रोब्स, है ना, जो नॉर्मल वे में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अपने जो इंटेस्टाइन रहती है उसके अंदर इकोलाई प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अगर अपन कोई एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हैं और अगर इकोलाई हो गया डिस्टर्ब, तो उसकी वजह से क्या होगा कि विटामिन के की सिंथेसिस में क्या आ सकता है, अल्टरेशन आ सकता है। ठीक है, या फिर विटामिन B12 का सिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है, तो वो विटामिन B12 या फिर विटामिन के का सिंथेसिस में अल्टरेशन आ सकता है। ठीक है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी के अंदर आपको ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे कि साहब एपिस्टैक्सिस हो गया, ठीक है, इकाइमोसिस हो गया, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, लेकिन उसी के अगेंस्ट अपन विटामिन B12 की बात करूं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हुई है पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्रिएट होगा, एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब
अगर मैं बात करूँ नियोमाइसिन की, ठीक है, तो नियोमाइसिन क्या करता है, एक मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर देता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, ठीक है। तो जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था, जो भी फूड अपन इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है कि साहब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना किए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला क्या होता है, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया मतलब कि स्टूल के अंदर फैट का ज़्यादा पास होना, ठीक है, यानी कि फैटी स्टूल पास होगा, जैसे अपने डायरिया वाली जो कंडीशन होती है वैसा ही स्टूल पास होगा, लेकिन उसके अंदर फैट का जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कंडीशन होती है स्टेटोरिया। अब बात करते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशंस की, कि साहब अगर आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे या फिर क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है असेसमेंट, कि आपको क्या क्या असेसमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए असेस करना है पेशेंट को, ठीक है। आप उसका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर क्रिएटिनिन वाला जो पैरामीटर्स हैं उनको आप इवेल्युएट करेंगे कि साहब पेशेंट के अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आप ब्लड स्टडीज़ का भी इवेल्युएशन ले सकते हैं, जैसे कि ALT, AST जिसको बोलते हैं एलेलिन ट्रांसअमीनेस और एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेस, जो कि लीवर प्रोफाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है SGOT, SGPT, है ना, जो ब्लूरिपिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली जो चीज़ होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आती है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम बोलते हैं CBC, ठीक है। तो CBC के अंदर आपने देखा हो तो TLC, DLC, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ना HB काउंट अलग से आया था। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर वो क्या कर रहा है, इंटेस्टाइनल फ्लोरास को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती है। अगर ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी, ठीक है, तो भी HB कम हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, अगर विटामिन B12 की सिंथेसिस को अल्टर करेगा तो भी HB कम हो जाएगा। तो CBC के अंदर अपन को HB में अगर कोई भी अल्ट्रेशन होता है तो वो देखने को पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करना है अपन को, मंथली बेसिस के अंदर पेशेंट के अंदर कैरी आउट करवा लेनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी अल्ट्रेशन आ रहा है इन जितनी भी स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन वाली दिखा रखी है, अगर इसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आ रहा है तो उसको आप क्या करें, फटाफट से डायग्नोस कर सकें। और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसने प्रिस्क्राइब कर रखी है ड्रग, उसको आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है। नेक्स्ट आता है यूरिन आउटपुट, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, जिसने भी वो ड्रग प्रिस्क्राइब करी है उसको इन्फॉर्म करना है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो मेनली बॉडी के थ्रू जो भी पॉइजनस, ठीक है, जो भी टॉक्सिन का जो भी एक्सक्रीशन होता है वो मेनली यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पॉइजनस जो सब्सटेंस है उसका एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर जमा होता रहेगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर वर्स कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसी वजह से अगर यूरिन आउटपुट कम हो रही है तो आपको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट आता है डेली बोवल पैटर्न, ठीक है, कि साहब उसकी बोवल हैबिट क्या चल रही है। मैंने आपको बोला था कि पेशेंट के अंदर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो सकता है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ठीक है। स्टेटोरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप उसके बोवल पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये कंडीशन भी डिटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर सीवियर डायरिया वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है तो पेशेंट को क्या करना है, जो ड्रग है वो उसको डिसकंटिन्यू कर देना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जिसने भी वो प्रिस्क्राइब करी है उसको आप क्या करोगे, नोटिफाई करोगे। नेक्स्ट आता है एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट के अंदर हो सकती है, तो अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती है तो आपको ड्रग को वहीं की वहीं विदहोल्ड कर देनी है, वहीं रोक देनी है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सूचना दे देनी है। अब एलर्जिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एलर्जिक रिएक्शंस में आ सकती है रैशेज, फीवर, प्रूराइटिस,
ठीक है, तो प्रूराइटिस में आप कंफ्यूज मत होना। प्रूराइटिस को बहुत से बच्चे ये लेके चले जाते हैं कि साहब पस फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है, लेकिन प्रूराइटिस मतलब क्या होता है? प्रूराइटिस मतलब होता है ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जिसके अंदर आपको एक इरिटेशन सी सेंसेशन आती है, ठीक है, और आपको लगता है कि यार ऐसी खुजली चल रही कि मैं बस इसको खुजा लूँ। और बहुत से लोग इतना ज़्यादा खुजाते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग कॉज हो जाती है, ठीक है, तो एक एबनॉर्मल सी अर्ज होती है वो स्क्रैच करने की, है ना, प्रूराइटिस में खुजली होती है पेशेंट को, है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ड्रग को विदहोल्ड करनी है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है बच्चे, इन्फॉर्म करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आती है ब्लीडिंग। मैंने आपको बोला था कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होगा, विटामिन के का अगर कोई मिसबैलेंस होता है तो विटामिन क्या क्या करता है बच्चे, फैक्टर सेकेंड सेवन्थ नाइन्थ और टेंथ को बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसकी वजह से क्लोटिंग होती है ना। तो अगर विटामिन के का सिंथेसिस डिस्ट्रप्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज में आ सकता है इकाइमोसिस, ब्लीडिंग गम्स, हिमेचूरिया, स्टूल गुएक डेली, ठीक है। स्टूल गुएक के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्टूल के अंदर आपको अकल्ट ब्लड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पेशेंट के अंदर क्या होगी, ब्लड क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, टाइनी कैपिलरीज रप्चर हो रही है, उसकी वजह से आपको एपिस्टैक्सिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज के लिए पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व आपको करना है। नेक्स्ट आता है ओवरग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। तो ओवरग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन आप कैसे डिटेक्ट करोगे बच्चे, ठीक है, अगर पेशेंट को पेरिनियल इचिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, पेशेंट को कमजोरी हो रहा है, चक्कर चक्कर जैसा लग रहा है, रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, रैश हो रहा है, ठीक है, या फिर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, या फिर क्या होगा कि जो पेशेंट के अंदर पहले कफ और स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा था उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई भी चेंजेस हुए हैं कफ या फिर स्पूटम के अंदर, तो वो कंडीशन किसके अंदर जाएगी, ओवरग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन में, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिफोर स्टार्टिंग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कलेक्ट एंड सेंड सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब कि बहुत सी बार आपने जो चोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनको आपने देखा होगा कि पेशेंट गया कि साहब सर्दी बुखार जुखाम हो रहा है, तो आप वो क्या करते हैं डायरेक्टली कि ले ले चल ठीक है एक एजिथ्रोमाइसिन ले ले, एक पैरासिटामोल ले ले और बाकी मल्टीविटामिन की एक ड्रग ले ले, ठीक है, और उसके साथ में एक स्टेरॉइड टिका देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है, सारा काम नहीं बढ़ गया। लेकिन जब भी आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर मेन प्रिंसिपल ये बोलता है कि पहले आप क्या करो, उस पेशेंट का सैंपल कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए सेंड करो, ठीक है। जैसे आप कल्चर सेंसिटिविटी के लिए उसको सेंड करते हैं तो उसकी रिपोर्ट में, पेशेंट की रिपोर्ट में आ जाता है कि साहब ये इसके इस बैक्टीरिया के लिए रेसिस्टिविटी शो करता है और इसी के लिए ये ससेप्टिबिलिटी शो करता है। तो उसको देखते हुए आप क्या कीजिए, जो अपनी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है उसको स्टार्ट कीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा, और पेशेंट के अंदर रेसिस्टिविटी भी उस पर्टिकुलर जो ड्रग्स है उसके अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कि आप क्या करोगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट को एसेस करोगे, ठीक है, जो भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कोज कर रहा है उसको आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, और उस पर्टिकुलर डेफिनेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट में आप क्या करोगे, थेरेपी स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है कि साहब आपको बैक्टीरियोस्टैटिक एज वेल एज बैक्टीरियोसाइडल दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक तो है स्टैटिक यानी रोकना, यानी कि वो ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा, और बैक्टीरियोसाइडल मतलब किल करना, तो वो ग्रोथ को क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। पता चला कि पेशेंट को भारी भरकम सा इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, उसको ज़रूरत है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की, और आप क्या टिका रहे हो, जो कि ग्रोथ को ओनली इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया को भी किल नहीं करता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर कंडीशन क्या हो सकती है, वर्स हो सकती है। यहाँ तक बात समझ आइए। नेक्स्ट आता है कि साहब पेशेंट को आपको बताना है कि अगर जो भी अभी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो अगर सब्साइड हो जाते हैं तो भी आपको
ड्रग को खुद के हिसाब से बंद या स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब करी है वैसे की वैसे आपको ड्रग्स को लेनी है। तो अदरवाइज क्या हो सकता है, सुपर इन्फेक्शन कोर्स हो सकता है या फिर ड्रग रेसिस्टिविटी हो सकती है, यानी कि जो ड्रग हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब करी थी, ठीक है, जैसे ही वो सिम्टम्स पेशेंट में गए और पेशेंट ने लेना वो ड्रग बंद कर दी, ठीक है, तो क्या हुआ, अभी भी बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, तो वापस मल्टीप्लाई करके और इन्फेक्शन कोर्स कर सकता है। और अब जो इन्फेक्शन कोर्स वो करेगा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया खुद को उस पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट में रेसिस्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से अगर अब आप वो सेम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी पेशेंट के अंदर देते हो तो उसका कोई भी इफेक्ट पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वो ड्रग ज़्यादा डोज में देनी पड़ेगी या फिर एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट आप यूज़ कर रहे थे उसकी क्लास में आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप पहले फर्स्ट लाइन ड्रग का यूज़ कर रहे थे तो इस बार आपको सेकंड लाइन ड्रग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तक बात सुनाइए। नेक्स्ट आता है, मैनी एंटीबायोटिक्स डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, हैंस एडवाइज द पेशेंट टू यूज अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस इफ द पेशेंट इज टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है बच्चे जो कि अगर कोई भी पेशेंट बर्थ कंट्रोल पिल ले रहा है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स में कौन सा कंटेंट आता है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फॉर एग्जांपल मान लो कि पेशेंट क्या ले रहा है, माला डी ले रहा है ना, तो अगर इस कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट हमने कर दी तो बहुत सी एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो कि उन बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स का इफेक्टिवनेस को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि साहब आपका जो भी ये बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स आप ले रहे हो इसको आप क्या कर दो, अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आप चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कोपर्टी का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टेम्प्रेरी अगर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप कॉन्डम्स का यूज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को पूरी हेल्थ एजुकेशन आपको अच्छे से प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट आता है, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग शुड बी कैरिड आउट टू नो द पीक बाय ड्रॉइंग द ब्लड सैंपल्स इमिडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड अगेन 10 टू 30 मिनट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट डोज। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आप ड्रग थेरेपी दे रहे हो, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम टाइम ऑफ इफेक्ट कब आ रहा है, ठीक है, और कब वो कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो आप क्या करोगे कि पेशेंट के अंदर जब आपने ड्रग दी, ठीक है, तो उसके जस्ट थोड़ी देर बाद में आपने ब्लड सैंपल निकाला और लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया, उसके फिर बाद में जब आपको नेक्स्ट डोज देना है, जैसे कि मान लो आपको नेक्स्ट डोज देना है आप शाम को 6 बजे, तो उसके 10 से 30 मिनट पहले आप ब्लड सैंपल निकालेंगे, ठीक है, और लैब में भेज देंगे, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपको पता पड़ जाएगा साहब कि पहले इसका जो प्लाज्मा वॉल्यूम था वो इतना आ रहा था और अभी इतना आ रहा है। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि टाइम ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट का पता चल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है, मॉनिटर द ब्लड काउंट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ल्यूकोसाइट काउंट शुड रिटर्न टू द नॉर्मल रेंज। ठीक है, आपको क्या करना है कि मैंने आपको बोला था कि आप CBC वगैरह भी करवाएंगे तो उसके अंदर WBC काउंट्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, जो WBC और न्यूट्रोफिल्स होता है, WBC और न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो इन्फेक्शन वाली कंडीशन के अंदर रेज हो जाता है। क्या होता है, इन्फेक्शन वाली कंडीशन के अंदर रेज हो जाता है। ठीक है, तो जब आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन कम होना चाहिए, और जब इन्फेक्शन कम होगा तो WBC और न्यूट्रोफिल्स काउंट भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर इफेक्टिवनेस को आपको इवेल्युएट करना है तो उस कंडीशन के अंदर जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल रेंज में वापस आ जाना चाहिए, अगर वो इन्फेक्शन के दौरान बढ़ गया था तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है माइल्ड डायरिया की, मतलब कि इसको भी सीवियर डायरिया नहीं हुआ है, ओनली माइल्ड डायरिया की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, तो उसके अंदर अगर आपको पेशेंट को क्या बोलना है कि साहब आप चाच वगैरह का यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि वो अपना जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको नॉर्मली रिस्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, मार्केट में प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको घरेलू नुस्खे के यूज़ में यूज़ लेना है तो आप छाछ का यूज़ ले सकते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होंगे कि वो जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको क्या करेंगे, वो रिस्टोर कर देंगे। उसके वजह से जो माइल्ड डायरिया पेशेंट को हो रहा था उसको मैं रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली टू रिपोर्ट सोर थ्रोट, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग एंड जॉइंट पेन। ऑल्सो टीच देम द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉसिबल एडवर्स रिएक्शन एंड टू रिपोर्ट इफ एनी। यानी कि पेशेंट और उसकी फैमिली को आपको हेल्थ प्रोवाइड, हेल्थ केयर, हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करवानी है कि साहब आपको अगर थ्रोट होता है या फिर ब्लूइशनेस देखने को मिलती है, यानी कि ब्रूजिंग होती है, ब्लीडिंग होती है या फिर कोई जॉइंट पेन होता है, ठीक है, आर्थ्रेल्जिया होता है, तो उस कंडीशन में आपको हमें बताना है, ठीक है। और अगर कोई भी आपको पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं या फिर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो कि एडवर्स रिएक्शन के दौरान शो हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, तो वो आपको पेशेंट को बताने हैं, ठीक है, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर सके और आप उसके ऊपर अर्ली से अर्लीस्ट एक्शन ले सके। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आज के हमारे टॉपिक में हमने बात की है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आइडियल कीमोथेरेपी या फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या नर्सिंग इम्प्लीकेशंस आपको लेने हैं जब आप एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दे रहे हैं, तो ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स की आज हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अलग अलग ड्रग्स को उठा के उनकी एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम सिस्टम्स उठाएंगे सच एज एंटी टीबी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कीमोथेरेपी एंड इट्स इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और नर्सिंग इम्प्लीकेशन दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।